नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की इंटर परीक्षा शनिवार को समाप्त हो गई। यह परीक्षा पिछले 1 फरवरी से चल रही थी। इसके साथ ही बिहार बोर्ड ने एक अनोखा कीर्तिमान अपने नाम दर्ज कर लिया है। इंटर परीक्षा सबसे पहले और सफलतापूर्वक लेने वाला देश का पहला बोर्ड बन गया है बिहार बोर्ड। आपको ज्ञात होगा कि कोरोना के कारण इस सत्र में कक्षाएं लगभग नहीं के बराबर चली हैं। इसकी वजह से CBSE, ICSE, झारखंड बोर्ड सहित देश के सभी परीक्षा बोर्ड इस बार परीक्षाएं देर से आयोजित करने की तैयारी में हैं। ऐसा इसलिए ताकि छात्र छात्राओं को परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके। आपको बता दें कि देश भर के दूसरे परीक्षा बोर्ड से उलट बिहार बोर्ड ने हर साल से भी पहले परीक्षा ले ली है और अब सबसे पहले रिजल्ट जारी करने की तैयारी भी शुरू हो गई है। उम्मीद यह है कि CBSE और ICSE की इंटर परीक्षा शुरू होने से पहले ही बिहार बोर्ड इंटर का रिजल्ट भी जारी कर देगा। वैसे इसमें एक दिलचस्प बात यह भी है कि चालू सत्र में बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं को CBSE और ICSE के छात्र छात्राओं की अपेक्षा पढ़ने का मौका कम मिला है। बताया जा रहा है कि बिहार बोर्ड के छात्र ऑनलाइन पढ़ाई का फायदा लेने में भी पीछे रहे हैं। कोरोना काल में कोचिंग भी बंद रहे, ऐसे में छात्र अगर बेहतर रिजल्ट लाते हैं तो उनके स्वाध्याय की दाद देनी पड़ेगी। शनिवार को केवल प्रथम पाली में ही परीक्षा हुई। विज्ञान, वाणिज्य एवं कला संकाय के परीक्षार्थी अतिरिक्त विषय समूह के अंतर्गत विभिन्न भाषा विषयों की परीक्षा दिए। इसके तहत उर्दू, मैथिली, संस्कृत विषय की परीक्षा संपन्न हुई। वहीं शुक्रवार को दोनों पालियों में इंटर की परीक्षा आयोजित की गई थी। मिली जानकारी के अनुसार सारण एवं नालंदा से एक एक परीक्षार्थी को दूसरे के बदले परीक्षा देते पकड़ा गया। प्रथम पाली में कंप्यूटर साइंस एवं द्वितीय पाली में होम साइंस की परीक्षा आयोजित की गई थी। बताया जा रहा है कि होम साइंस की परीक्षा में 2,82,126 परीक्षार्थी शामिल हुए। इंटर परीक्षा के समाप्त होने के साथ साथ रिजल्ट की तैयारी भी चल रही है। मिली जानकारी के अनुसार हर दिन उत्तर पुस्तिका की बार कोडिंग का काम हो रहा है। बताया जा रहा है कि बार कोडिंग का काम रविवार से सोमवार तक खत्म हो जाएगा। इसके बाद मूल्यांकन का काम शुरू हो जाएगा। वहीं 50% वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का OMR पत्रक की जांच कंप्यूटर से होगी, जबकि 50% सैद्धांतिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की जांच शिक्षकों द्वारा की जाएगी। बताते चले कि बिहार सहित पूरे देश में कोरोना महामारी का असर देखने को मिला है। स्कूली बच्चों का पढ़ाई लिखाई भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। यही कारण है कि इस बार तमाम परीक्षाओं का आयोजन देर से हो रहा है ताकि बच्चों को परीक्षाओं की तैयारी करने का पर्याप्त समय मिल सके। लेकिन इस बीच बिहार बोर्ड ने सबसे पहले इंटर परीक्षा का आयोजन करके नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। इसके साथ ही बोर्ड ने इन परीक्षाओं का परिणाम भी जारी करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि बिहार बोर्ड जल्द ही इन परीक्षाओं का परिणाम भी जारी कर देगा। अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले परीक्षा का आयोजन और रिजल्ट जारी करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।